नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। और इस वक्त मेरे साथ में दो सुपरस्टार है जो कर रहे कमाल और धमाल। जी हाँ, जिनकी वजह से हंसी है आबाद डक्कन हैदराबाद के, ये हमारे दो सुपरस्टार। ये साहब का नाम जो है ये टिंग ट्रस्टर, क्या जबान को जो है मतलब टंग ट्विस्टर हो सकता है, ठीक है, टंग ट्विस्टर। ये हमारे अकबर बिन तबर तबर है ना, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बोले आप। अभी खबर आप रखे थोड़ा सबर और उनके बाद बाजू में आर्टिस्ट जबर, हमारे आवाज में ऊंचे हाइट में आधा, हमारा प्यारा गुल्लू दादा। सर, अब तक आप समझ चुके होंगे कि हमारे दक्कन फिल्मों के सुपरस्टार दक्कनी फिल्मों को एक कैसे थे स्पीड देने वाले, एक कह सकते दर्शकों तक पहुंचाने वाले हमारे ये दो सुपरस्टार। तबर भाई जी बोलिए। कितने साल हो गए अपने इंडस्ट्री को? ऑलमोस्ट हैदराबादी इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई 2005 से स्टार्ट हुई, मतलब लाफ्टर चैलेंज। जी आपका कारोबार चल रहा था जब हम लेबरी कर रहे थे। लाफ्टर चैलेंज और दक्कनी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ ही बड़ी हुई है, हंसी की दुनिया वहां से चल रही है। और हंसी और हसीन जो है वो 17 के बाद ही अच्छी लगती है, जब भी तो खतरा होता है। मगर सुनील भाई, मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको खास तौर पे कि आप तो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, क्योंकि लाफ्टर चैलेंज के जरिए आप लोगों के दिल को हंसाते हैं, लोगों के दिल को खुश करते हैं, सारी दुनिया में आप मशहूर है। मगर हमारे हैदराबादी इंडस्ट्री के जितने भी मतलब दिग्गज कॉमेडियंस है, जैसे कि हामिद कमाल साहब है, बहुत सारे लोग हैं, तो हमारे पास जानी भाई को भी बहुत ज्यादा पूछते हैं। आप सबको मालूम है हैदराबाद से ज्यादा उनका रफ्त है, मगर सुनील भाई आपको भी चाहने वाले बहुत ज्यादा हैदराबाद। मैं तो कहता हूँ कि हैदराबाद के लोग रिस्पेक्ट में एक दूसरे को गारू कहते हैं, रमेश गारू, सुरेश गारू, तबर गारू, गुल्लू गारू, इनका रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में भी रहता है, कम गारू। ये जो आपकी पहचान है गुल्लू दादा जी, इसके ऊपर मैं मुझे लगता है कि शायद आप दुनिया के वाहिद पहले ऐसे आर्टिस्ट होंगे जिनके नाम पर, जिनके टाइटल पर लगातार तीन या चार फिल्में बनी। नहीं सर, टोटल फोर फिल्में। सर क्या बात है, और उसका सीरीज अब आगे आना चाहिए, क्यों आखिर नहीं रहा है? नहीं अभी तो कोरोना के बाद थोड़ा सा हालात बदल चुके हैं। अच्छा, तो स्पीड कम हो चुकी है कोरोना के बाद, नेगेटिव हो गए थिएटर्स में, ऑडियंस फिर से बॉम्बे में भी आते रहते हैं, और आज जॉनी भाई को बहुत पसंद करते चाहते हैं। जॉनी भाई को क्या सुना देते थे जो कबर वबर खून क्या था? एक्चुअली जॉनी भाई से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि जानी भाई के पास हम लोग हामिद कमाल साहब रूफी। हाँ यस, रूफी भाई लाफ्टर चैलेंज में भी मैं कहता हूँ गुल्लू भाई, हाँ, हैदराबाद का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत बड़ी दुआ और बहुत बड़ा आशीर्वाद रख, जैसे कि बेटे बड़े नहीं है जो हमारे, जी हाँ, हमारे हमीद रशीद साहब वो 80 अबाउट थे, वो सबसे सीनियर थे, सीनियर और सबसे जूनियर मुझे लगता कि शायद के भी जानी है। मगर आप उनको याद करके एक अजीब सी तिश्नगी पैदा कर दी है हैदराबाद वालों के लिए। 14 कलाकार आए थे सर पंजाब के मुख्यमंत्री को हराया था भाई जी। और एक चीज है, मगर विनर तो आप थे सर। अरे वाह, आप विनर थे लाफ्टर चैलेंज की, हंसी की दुनिया के विनर हैं आप। क्योंकि मेरे सारे गुरु जो लाफ्टर चैलेंज जितने थे सब मुझे कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे थे, जिनके सपोर्ट से मैं जीता हूं। नहीं नहीं, आपके पास एक मल्टी टैलेंट है और आप लोगों को हंसाते हैं, और एक दो दो घंटे आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, और इंडिया में हर जगह इतना बिजी रहते हैं। जो मैं गाइस ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज भाई पटना से कलकत्ता से पटना गए, पटना से फिर बैंगलोर आए, बैंगलोर आके प्रोग्राम किए, फिर बैंगलोर से कल बॉम्बे जा रहे हैं। फिर तो इतने बिजी शेड्यूल में सुनील भाई बैंगलोर वालों के लिए उनकी चाहत में उन्होंने टाइम निकाले, तो मैं सुनील भाई का शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक आ गया, आगे कुछ माल जहाँ मिलता है वहां घूमते हैं चारों ओर। क्या क्या पटना, क्या हैदराबाद, क्या बैंगलोर। बोलते थे आपके खबर बेटे, कुछ आप अपने स्टाइल में कुछ सुनाइए, तब तो मैं दरवाजा खोलता हूँ। भाई तो
प्रसन्नता से होगा कि सुनील साहब आज मिलकर आपसे बहुत ही अच्छा लगा, और मेरी दुआ है कि आप ऐसे ही तरक्की करें और आगे जाए, बहुत बहुत आगे जाए। आप एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ साथ एक अच्छे इंसान पाए गए हैं, ये बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो पहले अच्छे इंसान बनो, क्या तो आपके खुद ब खुद जो है ऊपर वाला आपको देगा। सुनील भाई थैंक यू वेरी मच। गुल्लू दादा जो है वो खाने के भी शौकीन है, गाने के भी शौकीन है, और खाना और गाना एक साथ अगर कहीं हमें सुनाई मिलता है तो रेस्टोरेंट में मिलता है, नहीं बजर बगल बगल में गजल की महफिल चलती जी हां जी। तो खाना खाते रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि खाना खाने वाला बोलता वाह, तो गजल वाला बोलता शुक्रिया, नहीं दाल बहुत बढ़िया है वाह। सुनील भाई मैं ये ऑडियंस जो वीडियो देखती हूँ तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये खास एक मेरी दिल की आवाज है अंदर की कि हम लोग हैदराबादी जो मूवीज बनाए हम लोग बहुत काम किए, अभी भी कर रहे हैं, हमारी पहचान भी है, हमारी एक दुनिया बनी हुई है जिसमें गुल्लू दादा का बहुत बड़ा योगदान है, आर के मामा, बहुत सारे लोग, अजीज नासिर, सलीम बेकू साहब, इस्माइल भाई, ये पूरे फाउंडर्स है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि हैदराबादी फिल्म में इस बार जैसे कि आप भी बॉम्बे टू गोवा, अपने बहनों को समझो, ऐसे कितने भाई आप 50 आर्टिस्टों को, इतने मल्टी आर्टिस्टों को लेके आप काम किए थे, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या दादा हमारी हैदराबादी फिल्म में अगर आप रहेंगे तो फिर 4 साल लग जाएंगे। मुझे मौका दो ना तो निमेदा प्रेम उन्नति, मुझे मौका दो। बिल्कुल कन्फर्म है, सुनील भाई तो करना ही करना है। अच्छा ये बताइए सुनील भाई, वादा कर दिए आने का, तो मैं लड़ लूंगा। सर जी मुझे बताइए, अंग्रेज पिक्चर जो बनी थी हैदराबादी की, हैदराबादी में अंग्रेज में एक कॉमन चीज है हाउ, अंग्रेजी में हाउ आर यू, हाउ आर यू, और हमारे हैदराबादी में हाउ, तो हाउ शब्द जो है दोनों का कॉमन है। तो गुरु दादा आपने करीब करीब हैदराबाद में सबके साथ काम किया और सबके साथ हमारे फेवरेट है, यूट्यूब पे आपकी जनता जो है पूरी दुनिया में फैली हुई, पूरी दुनिया में मिलियंस बिलियंस, मैं समझता हूँ कि कॉमेडी फिल्म को आपकी कैरेक्टर को बहुत पसंद करते लोग, लेकिन मैं समझता हूँ आप दूसरों के कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे मैं हैदराबादी, मुझे तो आपने बताया ही, लेकिन मैं किस किस तरह कदर दीवाना हूँ, आपने कहा कि मुझे आना है, मैं मर रहा हूँ, मुझे कोई बुला नहीं रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताइए कुछ कलाकारों की आवाज बात नाम मैं लूंगा, उनके बारे में आप फनी अंदाज में क्या सोचते हैं जरा बताइए। सबसे पहले तो हमारे मित्र अजीज नासिर, अजीज नासिर फिल्मी दीवाना कर सकते हैं, फिल्मी दीवाना, क्रेजी कमाल की मिमिक्री करता है, कमाल की एक्टिंग करता है, कमाल का राइटर है, कमाल का डायरेक्टर है, और प्यारा इंसान प्यारा अजीज भी है और नासिर भी है, इसलिए वो अजीज है सबका, सबका अजीज है, भाई मेरे बहुत अजीज है, वो है अजीज, मोहब्बत इंसान है, और हमारे और वही एक इंसान है जिसका कोई पेट नेम नहीं पड़ा, जैसे आपका गुल्लू दादा पड़ा है, सलीम फेकू पड़ा है, जहांगीर अंग्रेज पिक्चर में, लेकिन वो मतलब अब भूल चुके हैं लोग, नहीं मगर आप बोले नहीं पड़ा हूँ अजीज नासिर है ना, ये करेक्ट। और अकबर बिन तमर के बारे में क्या सोचते हैं? अकबर बिन तमर सबके धड़कन सबकी जान बने हुए हैं, मैं बताया ना कि अगर ये दो, आपने इनके साथ कितनी फिल्में की है? हम लोग 20 करे होंगे, नहीं 15-20 करे पिक्चर, एक फिल्म जो आपने डबल रोल में की थी, हाँ फैमिली पैक डबल रोल किए, फैमिली पैक, ये फिल्म जरूर देखिएगा, आपको लगेगा कि मजेदार फिल्म है, मैं कई बार देख चुका हूँ, मजा आता है मुझे। और हमारे हैदराबाद के एक और कलाकार जबरदस्त सलीम फेकू साहब, सलीम फेकू ग्रेट आर्टिस्ट और टाइमिंग आर्टिस्ट और जो है अच्छे मेहनती इंसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। अच्छा उन्होंने कुछ डायरेक्शन वगैरह की थी बीच में कुछ? नहीं नहीं डायरेक्शन, लेकिन डायलॉग राइटर भी है वो। अच्छा सॉन्ग राइटर भी है। और हमारे माँ की किरकिरी, माँ की किरकिरी उनके अंदर मैं बोलता हूँ छोटा बच्चा है उनके अंदर बैठा हुआ है, राजीव भाई को परसों शूटिंग में बोला, उनको 4 दिन पहले उनके साथ ही शूटिंग था मेरा, बोला राजीव भाई आपके अंदर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, बहुत बोले इंसान है, उनको 5.5 साल के होते हैं, कभी 55 साल के, बचपन और पचपन एक साथ मिला के है, बचपन के हिसाब से राजू, बचपन के हिसाब से राजू और पचपन के हिसाब से श्रीवास्तव। और राजू भाई आपके जो दोस्त है याद करते हैं, वो तो हमारे साथ है, आपके साथ में, आपके दिल में है और हम सबके दिल में है राजू भाई, क्योंकि वो इतने बेस्ट कॉमेडियन इंडिया के, और आपसे इतना उनका जो प्यार था सम्मान था, अरे अरे आप लोग क्या क्या करे भाई, हिलाता ले आप लोग, तो बहुत लोग हैदराबाद में आपको बहुत फॉलो करते हैं सुनील भाई, बहुत लोग चाहते हैं आपको, इसलिए इस बुनियाद पे हम लोग आपको ये बोल रहे हैं, मैं हैदराबाद में बोल रहा हूँ हम लोग, इसलिए ये तय करे गुल्लू दादा जाके तय कर दिए कि सुनील पाल जी
इस वक्त हैदराबादी फिल्म में रहेगा तो गाइस कैसा रहेगा आप लोग कमेंट्स में जरूर करके बताना कि सुनील पाल जी जब रहेंगे अब्बा रतन रतन क्या है रतन नूरा काम कर दूंगा हैदराबादी फिल्म का पूरा। मैं समझता हूँ कि आज मुझे इनसे दोनों सुपरस्टारों से बात करके बड़ा मजा है। आप भी मेरे बारे में कुछ तारीफ कर सकते कर दीजिए। तारीफ नहीं कीजिए मैं कुछ भी न कहूं भाई तुम्हारी आरिफ भाई के साथ मैं तारीफ करूंगा इनकी तारीफ कर ही नहीं सकते भाई इनकी तारीफ वो गुलाब को बोल गई वो इधर की जोर की वैसा नहीं है इनकी तारीफ इसलिए नहीं कर सकते कि ये कॉमेडी के मैं बाप है भाई ये लोग का एक अलग है इनका रेगुलर काम है एवरी डे नए नए चीजों को निकालना नए नए चीजों को बताना कि आज सारी दुनिया इतने दुख में है सुनील भाई इतने दुख में कोई अपने कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के झगड़े में कोई भाई भाई के झगड़े में कोई प्रॉपर्टी के झगड़े में कोई महंगाई से परेशान है कोई इससे परेशान उससे परेशान इस सारे चीजों को देखकर जब आपको लोग सुनते हैं उल्लू दादा को सुनते हैं हमको सुनते हैं खासतौर पर आपको जो सुनते हैं लोग तो उनका दिल हल्का हो जाता है तो इसलिए तो लोग सुनील पाल को याद करते हैं। शाबाश क्या बात है मेरे भाई अभी थोड़ा दिन बना दिया बल्कि अब मैं चाहता हूँ कि इस प्यार भरी एंडिंग को गुल्लू दादा के लास्ट शब्दों से इस महफिल को एंड करते एंड मतलब ये आगे बढ़ाते एंड शब्द अच्छा लगता है हैप्पी एंडिंग में ही अच्छा लगता है। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के वास्ते रहना पड़े तो है तैयार हम आप भी तैयार रहिए जहां जहां बुला सकते हैं बुलाइए खासकर सुनील पाल नाम है मेरा जहां माल वहां सुनील पाल आ जाऊंगा कोई ईगो नहीं है सिर्फ पेमेंट है बाय बाय।